हेलो जनाब सर, ये जो लड़का है इसको एक दोस्त था इसका, उसने कहा कि भाई शादी में आना है, ये चला गया था परसों सुनकोट शादी में। तो आज दिन को कोई 12 बजे कॉल आई घर वालों को, किस कोई गुजर रहा था वहाँ से, उसने देखा वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई, तो उन्होंने कॉल की। तो हम जब मौका पर जाकर वहाँ पहुँचे तो पुलिस वहाँ पहुँची, फिर इसकी डेड बॉडी जो है वहाँ से उठाई गई। लेकिन ये जो है इसका, जहाँ तक हमने देखा है, जहाँ तक वहाँ के लोग बता रहे हैं, जो इस वक्त सुनी सुनाई जो भी है, इस वक्त इस लड़के का जो है मर्डर हुआ है, हम आपके मदद से ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी तवक्कात रखते हैं कि इंशाल्लाह इसकी इंक्वायरी होगी और जो कसूरवार लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप देखें कि इस वक्त कितना ज़बरदस्त इन लोगों में जो गम की मातम जो है वो छाई हुई है, और अगर इस नौजवान बेटे की अगर इंसाफ ना मिला इसके माँ बाप को, तो फिर क्या फ़ायदा है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप ही वहाँ पर पहुँचे और आपने सारी सिचुएशन यहाँ की जो है वो देखी है। तो हम यही तवक्का रखते हैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन तक, SSP साहब तक, और ख़ास करके मैं जो हमारे हेडक्वार्टर साहब हैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई कि हम आपका जो बेटा है इसकी हम इंक्वायरी करवाएंगे और जो माँ बाप हैं उनको इंसाफ मिलेगा। हम इंसाफ की पूरी तवक्कुल रखते हैं। तो क्या नाम? इसका नाम जायद अब्बास है और इसके फादर का नाम जो है वो सैयद मोहम्मद है। ये बांडी चिचिया गांव का रहने वाला है। इसकी एज जो है वो 22 साल है। ठोंग में गया था, सुनकोट ठोंग शादी में गया हुआ था। तो जहाँ शादी थी उसके मकान के आगे नीचे ये पड़ा हुआ था, एक तला एक था उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो कोई रास्ता से वहाँ से गुजर रहा था। एक तो हमें ये शक है कि उन शादी वालों ने भी नहीं बताया कि बताओ अगर ये लड़का रुड़ गया है या ये इसकी डेड बॉडी हमने मार दिया, बताओ तो सही। किसी आदमी ने नहीं बताया, इस चीज़ का बड़ा अफसोस है। इसको मार के वहाँ उन्होंने रख दिया और कोई आदमी वहाँ से गुजर रहा था उसने चलते ने जब देखा उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस से हमें पता लास्ट मिनट में। तो ये नहीं है इसका जो ये ड्राइवर है, एक लड़का इसकी गाड़ी का ऑटो है इसका, उसका ड्राइवर था वो लड़का, इसको साथ लेकर गया हुआ था। हुई है अराउंड 4 बजे के आसपास। इस लड़के का नाम जाहिद अब्बास बता रहे हैं, ये बाणी चेचिंग रहने वाला है। इसके फादर का नाम सैयद मोहम्मद है, कोई 22-23 साल का लड़का है। तो अब हमने पोस्टमार्टम किया, सैंपल्स हमने लिए हैं, कुछ फोरेंसिक में जाएंगे, कुछ हम एक्सरे लेंगे, रिपोर्ट अभी अवेटेड है, अभी हम फाइनलाइज नहीं। कोई जाहिर बाहर चोट खास है नहीं, बाकी हमने ओपन किया, सारे सैंपल्स लिए, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।